नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। बार्थोलिन सिस्ट की सर्जरी एक छोटी प्रक्रिया होती है जिसमें महिलाओं के अंदर बार्थोलिन सिस्ट का इलाज किया जाता है। जब बार्थोलिन ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है तो यह बार्थोलिन सिस्ट बन जाती है। जब सिस्ट की वजह से दर्द भरे लक्षण सामने आने लगे तो सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। यह छोटी सी सर्जरी होती है और इसमें मरीज सुबह भर्ती होता है और शाम को उसे छुट्टी मिल जाती है। दोबारा सिस्ट ना बने इसके लिए देखभाल करनी जरूरी होती है। किस तरह से सर्जरी हुई है इसके आधार पर घाव को भरने में 2 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है। बार्थोलिन ग्रंथि में योनि के बाहरी प्रवेश के आसपास कई ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां योनि में ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड के श्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब ये ग्रंथियां ब्लॉक हो जाती हैं तो ये सिस्ट बनाने लगती हैं। इसके बाद ये सिस्ट लक्षण पैदा करने लगते हैं जिससे रोजमर्रा के कामों में प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए सिस्ट का इलाज करने की जरूरत होती है। जब दवाओं जैसे कि एंटीबायोटिक और गर्म सिकाई से सिस्ट के लक्षणों को कंट्रोल ना किया जा सके तब बार्थोलिन सिस्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके लक्षण हैं सूजन जिसमें दर्द और छूने पर दर्द हो और बैठने और चलने में दिक्कत हो, डिस्पेरियूनिया संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, सिस्ट में इन्फेक्शन होना जो बाद में फोड़ा बन जाए जिसमें पस भी हो, बुखार के साथ सिस्ट वाली जगह को ऐसे छूने पर दर्द होना, बार बार सिस्ट बनना। सर्जरी को लेकर कोई मतभेद नहीं है, हालांकि पहले से अगर कोई बीमारी है तो उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो इससे सर्जरी का घाव भरने में समय लगता है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए पहले इसे कंट्रोल करना चाहिए।